चलो गाइस, हम लोग खिचड़ी छूने के लिए जा रहे हैं। नहा धो चुके हैं, रखो चलो। तू अपना सोल के, तू अपना सोल पहले तुम करो अपना। कितने वाले थे? तीन का अपने, चल छोटे वाले पे। हां मम्मा दे लो, बंद दाहिने चलो। बोल ले सुना तो सुन के सवाल ना, मैं ये तो समझ पाया। खा के दियो, पति कहते थे लो तुम छुओ छुई। बस खिचड़ी छूने वाला प्रोग्राम हो गया। सावनी का नाश्ता रेडी है, चाय बन के तैयार हो गई है। डांस क्लास है, फटाफट लो अपनी चाय लाओ। छाने छन्नी 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 छन्नी। ग्यारह बजे मेरी क्लास है और 10 मिनट पहले मैं पूरा भोजन करूँगी। और ये हमारी खिचड़ी की पूजा हो चुकी है। हम लोगों ने अपनी खिचड़ी को छू दिया है। और ये मम्मी की खिचड़ी है, ये वाली मेरी है, ये सावनी की है। सावनी को घी दान करना था, मुझे दूध दान करना था, मम्मी को काली उड़द की दाल और चावल घी। सब लोगों ने अपने सबकी अपनी अपनी राशि के हिसाब से चीज़ें दान करवाई हैं। तो आज हो गई हमारी खिचड़ी। आ गई, क्या लेने आई हो? खिचड़ी लेने आई हो अपनी? ले लो भाई अपनी खिचड़ी। शिक्षा, तुमको खिचड़ी में क्या मिला बताओ, बोलोगी कुछ? मुंह देखो, दिखाओ खिचड़ी में तुम क्या पाई। पहले शो योर खिचड़ी। नाइस खिचड़ी, जाओ मिल गई आज इनको खिचड़ी। अच्छे बनने चल रही खिचड़ी। पूजा ऊजा हो चुकी है, बन रही है खिचड़ी। मैंने चावल और उड़द की दाल धुल ली है। इसमें काला तिल है क्या? हाँ, हम ही डाले हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइव। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मॉर्निंग में उठ के हम लोगों ने सबसे पहले नहा लिया था और फिर उसके बाद सबने बड़ी बारी बारी से पूजा और फिर अपनी राशि के हिसाब से जिसकी जो जो राशि थी मम्मी ने सबसे चीज़ें दान करवाई। और फिर उसके बाद आज मैं लंच में बना रही हूँ खिचड़ी। उड़द की दाल की खिचड़ी बनती, मम्मी ने इसमें काला तिल भी डाला है, कह रही है आज के दिन काला तिल भी डाला जाता है। तो खिचड़ी के साथ रहेगा दही, अचार और घी। अभी पापड़ नहीं है, तो पापा कहते थे खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो ये सारी चीज़ें खिचड़ी के साथ होती तो खिचड़ी खाने का मज़ा एकदम अलग हो जाता है। तो अब लंच में बनाने चल रही हूँ खिचड़ी। तो अभी शाम में मोनी भी आ जाएगी, मम्मी ने उसको बुलाया है। शाम में बनेगा छोला भटूरा, दिन में खिचड़ी बन जा रही है। सावनी अपनी डांस क्लास कर रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। उसे नाश्ता कर लिया था, नाश्ते में उसने कल की पनीर खाए थे और रोटियां मैंने बना ली थी। रात वाला पनीर बचा हुआ था तो उसने वही खा लिया। उसको फटाफट उसकी डांस क्लास ज्वाइन करनी थी अपनी। तो मम्मी बैठ गई अपनी चाय पीने के लिए, मैं बनाने लग गई हूँ खिचड़ी। डालेंगी घी, पड़ेगी खटाई। खटाई अंधेरा अंधेरा हो रहा है। नमक, खटाई नहीं, नमक और कुछ नहीं मम्मी, बस ना, बस खटाई नहीं नमक। खिचड़ी में केवल पड़ा है घी, नमक और खटाई। और उसके बाद बनने के बाद इसमें देसी घी में लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनके तैयार होने वाली है। गिरा
हमने बने का छोला भटूरा तो चने भीग गए हैं। खिचड़ी के साथ जो दही खाएंगे उसमें हम लोग डालेंगे भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और सफ़ेद नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। तो जीरा वही भून के मैं पीस रही हूँ इसी चकले पे, बेलन से ही पीस के डालूँगी इसी में। तो यहाँ पर मैं सबको खिचड़ी लगा दे रही हूँ। सबको खिचड़ी देने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि पनीर की सब्जी रखी हुई थी तो रोटी भी बना दे रही हूँ ताकि पनीर की सब्जी भी ख़त्म हो जाए। जिसको रोटी खाना हो वो सब्जी रोटी भी खा ले, खिचड़ी तो खाएंगे ही खाएंगे ताकि सब्जी भी ख़त्म हो जाए। कल रात में सब्जी बनाई थी मैंने तो ज़्यादा बन गई थी, बची हुई है, तो फिर मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, सब लोग सब्जी रोटी भी खा लेते हैं। तो सब खाने के लिए बैठ गए हैं, फटाफट रोटी बना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी। तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबने खूब मन से खाई। तो यहाँ मैं भी खाने लग गई थी अपनी खिचड़ी पनीर की सब्जी के साथ और दही के साथ, बहुत ही टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट। भाई आम का चार, स्कूल खुल गया, सावनी जा रही है अपने लिए, कल क्या खरीदने जा रही सावनी? कोट खरीदने जा रही, कल स्कूल जाना है, ब्लेज़र खरीदेगी स्कूल का, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। स्कूल सुनील चाय पी रहे हैं, मम्मी प्याज काट रही है, निहार दूध पी रहा है, देखे रही चाय, स्वीटर हेर रही है ना पाए, पी रहे सब लोग चाय, निहार का दूध खत्म हो गया है, छोला बनने वाला है तो मम्मी काट रही है प्याज। दीदी की बेटी का फोन आ गया था सांची का, तो निहार और सावनी उसी से बात करने लग गए थे, कितनी फनी बातचीत है, कितना फनी हेयर कट है, खुद ही का फनी लग रहा है ना। अभी अब वो वाली चोटी जो तुम कर चोटी कटवाई हो उसी का पैसा हड़प लेगा। रतन चौहान की तरह लग रही है, रतन चौहानी, पीछे की एकदम चलते पीछे करो अपना सर, हाँ पीछे के एकदम छोटे हैं यार। दीदी कटवाई क्यों और फोन क्यों करी तुम, पहले ये बताओ। छोटे भाई बहन परेशान है, उसकी दीदी ने हेयर कट करा लिया तो अच्छा नहीं। निहार कैसा हेयर कट है दीदी का? मुझे तो बन रहा है छोला, मसाला भुना जा रहा है, अभी भुना नहीं है, चना मसाला भून के रखी है, डाल दो मसाला, डाल दो छोला। मैं बनाने वाली थी, मोनी से मैंने कहा था कि छोला मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं चली गई थी सावनी का यूनिफॉर्म लेने के लिए घर पर, जैसे लौट के आई तो देखा मोनी छोला बना रही थी, मैंने कहा तो उसने कहा कि निहार कह रहा था जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग गई थी तो उसने छोला बना लिया था। फिर मैंने आते ही तुरंत भटूरा तलने की तैयारी शुरू कर दी, तो हम दोनों बहनें भटूरा तलेंगे और सबको साथ में खाना निकालते भी रहेंगे, देते भी रहेंगे गरम गरम, ताकि सब लोग खाते रहें। और सुनील किचन में अपना आना जाना लगा रखे हैं, क्योंकि इनको जाने के लिए देर हो रहा है, जल्दी से इनको मिले, खाएं ये जाएं, ठंड बहुत हो रही है। यहाँ पे हम दोनों लोग मिलकर फटाफट बनाएंगे भटूरा और खाएंगे डिनर में सब लोग गरम गरम छोला भटूरा। ये बच्चे तो कुछ इस तरीके से बीता आज का हमारा दिन, यानी हमारी छुट्टी का आखिरी दिन। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। खाना खाने के बाद मोनी और निहार सुनील तीनों जा चुके हैं, मैं और सावनी मम्मी के साथ रह गए, फिर मम्मी और सावनी लेट के दोनों अपना रोज वाला काम कर रहे हैं, अनूप की शादी के वीडियोस देखेंगे दोनों एक बार, फिर से सोएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।